प्रधान ना उजल नहीं हाँ। ये प्रधान जी उजार के अपने से मतलब पश्चात जब नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के टणवा टप्पा ग्राम सभा धनबाउर गांव में एक पीड़ित ने समाधान दिवस में तहरीर देते हुए गुहार लगाया है कि कई वर्षों से लगा खड़ंजा वर्तमान ग्राम प्रधान महोदय ने उजाड़ दिया है, जबकि अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद आसानी राजस्व टीम को संबंधित द्वारा निर्देश दिया गया कि जांच कर दोषी पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करें। सोचने की बात यह है कि जब खड़ंजा सरकारी लगा था तो उसको उजाड़ा ही क्यों गया। आइए इस संबंध में पीड़ित पक्ष जिसने आवेदन दिया था उसका क्या कहना है, पहले उसे सुनते हैं, उसके बाद दूसरे पक्ष की भी जानकारी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? राम। क्या परेशानी है? खड़ंजा क्यों उजाड़ा गया है? खड़ंजा उजाड़ा गया हम रास्ता खोज नहीं है, हम रास्ता में ना आई जाए। खड़ंजा कौन उजाड़ा है? प्रधान। यहाँ दीवाल किसकी लगी है? दीवाल किसकी लगी है? सीढ़ी का। सीढ़ी का? हाँ। खड़ंजा पर ही दीवार बना ली है। जल निगम की पाइप भी बगल में बिछाई गई है। जल निगम की पाइप भी नीचे, उसके ऊपर उसके बावजूद भी बना लिया। खड़ंजा उजाड़ के दीवार बनी है। दीवार बनी है। इसका आवेदन आपने दिया है थाने में? हाँ जी दिए हैं। थाने में दिए हैं? वहाँ गए थे आप या फिर ऐसे? हम गए थे रिपोर्ट। क्या बताए हैं लोग? बताए अभी कुछ नहीं बताए। कोई आया था? पुलिस आया। क्या बोले हैं वो लोग? रोकाव कर चुके हैं। तो दीवार बनने से पहले रोके हैं या बनने के बाद? बनने के बाद। बनने के बाद। बनने के बाद जब लोग इधर थाले के जोड़े के कहीं ना तब काले हमको नहीं जाते हमारा जो हमके रोड चाहिए बस। खड़ंजा सरकारी लगा है या खुद का लगाया है? कोई सरकारी लगा। कौन लगवाया है इसको? तो ये वर्तमान प्रधान उसको उखड़वा रहे हैं? पूछे नहीं कहा उखड़वा रहे हैं? खड़ंजा लोग कैसे जाएंगे? मान नहीं रहे। अब दूसरे पक्ष का क्या कहना है आइए वो अभी सुनते हैं। हम अन्ना उजल नहीं है, प्रधान जी उजार के अपने से मतलब पश्चात जब भाई बन जाए हाउ घर फूल गिरे वाला जब गिर जाये तो वो कैसे प्रधान जी रास्ता दिया मन के नाप दिया कि बंद कर दिया? प्रधान जरूरी है तो नहीं कन्फर्म है? हाँ, आपसे कोनो मतलब ना? मान से ना मतलब ये रास्ता के बारे में। तो खड़ंजा लगौले के रहल? ई लगौले रहे ना एडवांस पर तो वो पास रहल तबे ना लगल हुई। से बात हो जाये साफ सुबन से बात हो जाये काम फाइनल कर ली है। मड़ाई के करिए? मड़ाई ये पश्चर बंजर वाली जमीन मिलल ये तो मड़ाई इनकर या इनकर आई इनकर घर आई ना इनकर परिवार में धर्म हमारा धनेश्वर का सरकारी लगा है ना? हाँ प्रधान जी सर, प्रधान जी से दोनों लोग मतलब जाके बोले हाँ। तो प्रधान जी खड़ंजा लगवा दिए। अच्छा, तो क्यों अब उजड़वा रहे हैं आप लोग? अगले प्रधान जी जो इस साल हुए है वो सारी जमीन 6 बीघा जो है गौशाला में डाल दिए। तो इनका पट्टा उनका पट्टा तीन लोगों का पट्टा हो गया। तो आज जिनकी जिनकी जमीन पट्टे के सामने है मतलब वो कहे पट्टा है सबका तो उनको वहाँ तक ले दिया गया, इनको यहाँ तक ले, उनको वहाँ तक ले। तो इनका मतलब खाली है। पहले सरकारी जमीन थी उसको पट्टा कर दिया गया? नहीं, 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 पहले से है। अभी कि 20 साल पहले से पट्टा है। हम मतलब सुनी की बता रहे जब शाम है तभी से न जानेंगे। फिर उसके बाद प्रधान जी बोले कि तीनों लोग सामने सामने हो जाएंगे, फिर उसके बाद हम रास्ता इस तरह देंगे। अभी मामला थाने में गया है ना? हाँ, तीन चार अभी पुलिस आ चुकी। क्या बोले हैं वो लोग? भी बोले हैं कि ये लोग सही किए हैं, दीवार जोड़े यहीं पे दीवार रोक दीजिए, फिर उसके बाद जब ये रास्ता निकल जाएगा फिर ये पूरा बनन लग जाएगा। जब वो बन जाएगा गौशाला तो इसी रास्ते से तीनों लोग आए जाएंगे ना। जब आदमी की रास्ता बनी तभी उजड़ी ना, इतना उजड़ी है तो चली। तो इसको उजाड़ने के लिए प्रशासन बोली है? हाँ, प्रशासन ये बोली है कि अभी रुके रहो, जब हम ये रास्ता निकल जाएगा फिर उजाड़ के हमारी जमीन में तो हम उजाड़ेंगे, पर अभी नहीं उजाड़ेंगे जब इनको रास्ता। ये पट्टे की जमीन है या चक था? नहीं, पट्टे की जमीन है। अब सोचने की बात यह है कि प्रशासन द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई क्या की जाएगी, क्या यह भी बंद बक्से में रह जाएगा या फिर पीड़ित को न्याय मिलेगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।